नमस्कार दोस्तों, मैं एमएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो दिखने में बड़ा आसान होता है लेकिन बच्चों को बड़ी तकलीफ आती है, त्रिभुजों की गणना। एक क्वेश्चन आपका एसएससी, रेलवे वगैरह के जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे में आप छोटा तो नहीं कहूँगा, बड़े एग्जाम से एनटीपीसी हो गया, एसएससी, सीजीएल तक, सीपीओ तक, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अगर लॉजिकल रीजनिंग आपका उसमें सिलेबस में है। लेकिन बच्चों को काउंटिंग करने में बड़ी तकलीफ आती है, उन्हीं समस्याओं का जो समाधान है वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। इस पूरे वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में, मैं आपको ट्राइंगल्स काउंट करना सिखाऊंगा, त्रिभुजों की जो गणना होती है वो किस तरीके से होती है, किस किस तरह के त्रिभुज आपके सामने बन सकते हैं, आपको वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनने को बोला जा सकता है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को गिनने के लिए बोला जा सकता है, अगर त्रिभुज के कोई भाग कर दिए गए हैं, उपखंड कर दिए गए हैं, डिवाइड कर दिया गया है, तो उसमें आप त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो कैसे पता लगाओगे, बारी बारी से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट कंसेप्ट में कि यदि त्रिभुज, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है जैसा आपको यहां पर दिख रहा है, तो इस त्रिभुज के तीन कोने हैं और एक कोने से मैंने सामने वाले जो आपका आधार है उस पर एक लाइन अगर इस तरीके से खींच दी है, तब करना क्या है, देखो करना क्या है, देखो वैसे तो आपको, देखो अगर मैं ए बी सी और ये डी ऐसा लेता हूं तो त्रिभुज कितने हैं टोटल, देखो एक त्रिभुज तो आपके पास एबीडी है ना, एक त्रिभुज आपके पास एसीडी है और एक त्रिभुज आपके पास एबीसी है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, तीन त्रिभुज। लेकिन अब ये कब तक अपन ऐसे काउंट करेंगे, मान लो दो लाइन दे दे तो कैसे करेंगे, तो बेटा यहाँ पे करना क्या है, देखो आपको यहाँ पर एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तो आपको करना क्या है, एक प्लस दो, इसमें टोटल ये कितने त्रिभुज हो गए आपके, तीन त्रिभुज हो गए। बात समझ में आई नहीं, कितने त्रिभुज हो गए बच्चों, तीन त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए। अब मान लीजिए ये अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, इस तरीके से, तो यहां पर करना क्या है, देखो एक दो और ये तीन, तो टोटल एक प्लस दो प्लस तीन, टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब आपको मैं इस तरीके से भी करके बता देता हूं, ए बी सी डी और ये ई, तो देखो एक त्रिभुज तो आपका कौन सा हो रहा है, ए बी सी, आप देखते जाइए, एक त्रिभुज आपका कौन सा हो रहा है, ए सी डी, एक हो रहा है ए डी ई, तीन तो ये हो गए। उसके बाद एक त्रिभुज आपका ए बी डी बन रहा है, बन रहा है ना यार, ए सी ई बन रहा है, बन रहा है, और एक आपका त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी और ई, ये टोटल आपके कितने त्रिभुज हो गए, छह त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए। तो ये ट्रिक अपने को लगानी है और सीधा आंसर लेकर आना है, बात समझ में, ट्रिक लगाओ सीधा आंसर पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें कितने हो जाएंगे, देखो एक दो तीन और ये चार, तो टोटल एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, और ये आपको कितना दे देगा, दस त्रिभुज। कितने त्रिभुज है भैया, दस त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और भी तो हो सकता है, देखो ऐसा, अब मान लो एक बार के लिए कि आपके पास, अब ये जो लाइन है ना बच्चों, देखो ये लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, ये नहीं होती तो यहां पर एक और दो, टोटल नीचे वाले भाग में कितने हो रहे हैं आपके, तीन त्रिभुज हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, एक प्लस दो। अब मान लो ये नीचे वाला पोर्शन नहीं होता और ऊपर की बात करते तो एक और दो, तो यहां पर टोटल कितने हो रहे हैं आपके, यहां पर भी तीन हो रहे हैं, बात समझ गई, यहां पर भी टोटल कितने हो गए आपके, तीन हो गए। अब दोनों में मिलाकर कितने हो गए बेटा, दोनों में मिलाकर हो गए छह त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए, छह त्रिभुज हो गए। अब इसको सीखना कैसे, अब इसको समझना कैसे, बार बार थोड़ी ना हम ऐसा करेंगे, अब इसको करना कैसे, देखो आप तो ये देखो कि इस तरीके से सेक्शन कितने बने, इस तरीके से एक और ये दो, तो टोटल कितने हो गए यहां पर तीन, और इस तरीके से कितने बने हैं, दो सेक्शन है, तो इसको दो से गुणा कर देंगे तो ये आपको कितना दे देगा, छह त्रिभुज। बार बार आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आप एक बार निकालो और उसके ऐसे कितने टुकड़े हो गए हैं उतने से डिवाइड कर दो, है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखो कितने हैं, एक दो और ये तीन, तो टोटल यहां पर ये कितनी आ जाएगी, तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा छह, और ये सेक्शन कितने बन रहे, एक और एक ऊपर का टुकड़ा दो, तो इसको मैं दो से गुणा कर दूंगा तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे बेटा, बारह त्रिभुज हो जाएंगे। यहां पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, बारह त्रिभुज। अब अगला सवाल आप एक बार करके बताइए जरा फटाफट से, कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए। क्या आंसर होगा इसका, कितने सेक्शन बन रहे हैं और नीचे कितने आपके भाग हो रखे हैं, जल्दी से बताइए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बताइए कितने त्रिभुज होंगे इसमें बेटा। आई होप कि आपने कर लिया होगा, देखो एक दो
और ये तीन, तो टोटल एक प्लस दो प्लस तीन, ये तो कितने हो गए छह। अब इस छह को मुझे गुणा करना है, कितने भाग बन रहे, देखो एक ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, कितने भाग है तीन, तीन भाग है तो मल्टीप्लाई कर दो, छह तिया अठारह त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है अठारह इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए अगला करके बताइए, बड़ा होता जा रहा जैसे जैसे डायग्राम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन में फिर मैं आपको एक दूसरी चीज करके बताऊंगा कि अगर लाइनें पूरी हो तो ठीक है, लेकिन जब टुकड़े टुकड़ों में लाइन अगर आपको ऐसे विभाजित करे त्रिभुज को इतना सा फिर इतना सा, तब उस स्थिति में अपन क्या करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो एक दो तीन चार और ये पांच, तो टोटल इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच, तो टोटल पंद्रह तो ये हो गए। अब सेक्शन कितने बन रहे हैं, एक दो तीन चार और ये पांच सेक्शन बन रहे हैं, तो ये पांच से गुणा कर दिया पंद्रह पांच पिचहत्तर आपके त्रिभुज हो जाएंगे, पिचहत्तर त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे बेटा पिचहत्तर त्रिभुज। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो अगर मैं इस तरीके से आपसे कोई बात कह दूं कि मान लीजिए ये लाइन है नहीं, मान लीजिए कि ये लाइन गायब हो गई है, देखो आपको दिख रहा होगा एक लाइन यहां से गायब हो गई है ना, इस तरीके से कोई लाइन नहीं है चलो, और उसकी बात करें तो मान लीजिए यहां पर एक लाइन नहीं है, इस तरीके से मान लेते हैं यहां पर ये जो लाइन है ये है ही नहीं, इस तरीके से हम मान लेते हैं ठीक है। अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अब पूरी लाइन नहीं है ये चीज ध्यान रखना, पूरी लाइन नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं कि यहां पर भी एक लाइन हम गायब कर देते हैं, यहां की अगर बात करें तो ये मान लीजिए इस तरीके से ये लाइन भी नहीं है, कौन सी नहीं है ये लाइन भी नहीं है, इस तरीके का कोई डायग्राम दे दे तब जाकर मुझे बताइए कितने त्रिभुज बनेंगे, बताइए बेटा कितने त्रिभुज बनेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट, इस नीचे वाले की बात करूं तो एक दो तीन चार और ये पांच, पांच ऐसे भाग बन रहे, तो मेरे हिसाब से टोटल होंगे ये पंद्रह, पंद्रह त्रिभुज तो आपके ये बन रहे। अब देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं इस वाले की, ये जो है ना इस तरीके से ये त्रिभुज जो चल रहा है यहां से ये वाला, देखिएगा ये वाला जो त्रिभुज है तो ये एक ये दो ये तीन और ये चार, तो टोटल चार यानी कि ये कितना हो गया दस यहां पर हो गए। इसकी बात करें तो एक और दो ये लाइन नहीं है यहां पर, ये लाइन नहीं है तो ये टोटल आपके यहां से कितने हो गए तीन, और यहां पर भी एक और दो यहां से कितने हो गए बेटा तीन। इसकी बात करें तो एक दो तीन चार, तो टोटल आपके दस ये हो गए हैं, और ऊपर वाले की बात करें तो एक दो तीन चार और ये पांच, तो टोटल आपके पंद्रह ये हो गए। अब कुल मिला के देखो कितने हुए, पंद्रह प्लस दस प्लस तीन प्लस दस प्लस पंद्रह और प्लस ये वाले तीन, टोटल कितने हो गए बेटा पंद्रह और पंद्रह तीस चालीस पचास और ये तीन और तीन छह छप्पन, टोटल कितने त्रिभुज हो गए हैं छप्पन त्रिभुज यहां पर हो जाएंगे, कितने त्रिभुज हो जाएंगे बेटा छप्पन त्रिभुज यहां पर हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी भी तरह की, बढ़े आगे। चलिए देखिए अब इस तरीके का कोई आपको डायग्राम दे दे कि एक वर्ग है या एक आयत है उसके बीच में ऐसे विकर्ण बना दिए जाए, तो देखो ध्यान से, पहले तो मैं इसको बेसिक मेथड से आपको बता देता हूं, बेसिक मेथड आम जिंदगी, अगर मैं ये ए बी ये सी और ये डी और ये ओ मान लेता हूं, तो देखो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, चार तो बिल्कुल सीधे सीधे नजर आ रहे हैं ए ओ बी है ना, बी ओ सी सी ओ डी और डी ओ ए, चार तो ये हो गए। अब ये त्रिभुज भी तो है ए बी सी, बड़ा त्रिभुज देखो आप, ये बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से अगर मैं चलूं यहां से चलता आया चलता आया चलता आया फिर इधर जाऊंगा है ना, ये देखो दो भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा जो है आपकी ये हो गई, ये भी तो एक त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज छुपा हुआ है ध्यान से रखिएगा, बड़ा त्रिभुज छुपा हुआ एडीसी, उसके अलावा बीडीसी भी तो होगा है ना, बीडीसी के अलावा ए बी सी होगा और एक और कौन सा होगा ए डी बी, तो बेटा ये जो टोटल आपके त्रिभुज हुए हैं वो कितने हो गए आठ, तो त्रिभुज कितने हो गए आठ, ये बेसिक है। अब मिंटोज जिंदगी की बात करते हैं, मिंटोज जिंदगी वो है आम जिंदगी, ये है मिंटोज जिंदगी ठीक है। चलिए जितने विकर्णों से आपके सेक्शन बन रहे, जैसे एक दो तीन और ये चार, कितने बन रहे चार, तो चार को दो से गुणा कर दो कितने हो जाएंगे बेटा आठ त्रिभुज, क्या ये दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम आ गए।
अगला क्वेश्चन देखो, मान लीजिए इस तरीके का कोई आ जाए, ठीक है, तो देखो यहां पर कितना है, एक दो तीन चार और ये पांच और ये छह, तो ये छह सबसे बड़ा है, तो छह इंटू कितना कर देंगे दो, यानी कि इसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे, कितने 12 त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज है, ठीक है, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे 12 त्रिभुज हो जाएंगे। अब मुझे इसमें निकाल कर बताइए, फटाफट से इसमें निकाल कर बताइए कि क्या त्रिभुजों की संख्या होगी, कितने त्रिभुज इस आकृति में छिपे हुए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, तो एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ, तो आठ सबसे बड़ा है, आठ को दो से गुणा कर दीजिए, आठ को दो से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब कौन कौन से होंगे 16, देख लो भाई, एक आठ तो यही हो गए है ना, 9 10 11 12 ये बड़े वाले तो ये हो जाएंगे, उसके बाद आप देखो टोटल कितने, देखो छोटे छोटे की बात करें तो ये छोटे छोटे आठ हो गए है ना, उसके बाद इन दोनों से मिलकर भी तो बन रही है, ये इस तरीके से बड़ा, तीन और दो को मिलाकर, चार और पांच को, छह और सात को, आठ और एक को, और चार वो बड़े वाले हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके टोटल 16 त्रिभुज हो जाएंगे, कितने 16 त्रिभुज। अब अगर मैं ऐसे फिगर्स को ऐसे जोड़ दूं, ऐसे दो फिगर्स को जोड़ दूं तो कितने आपके त्रिभुज होंगे, तो उसका एक उदाहरण हम यहां पर लेते हैं। मान लीजिए अगर इधर वाली चीज नहीं होती या इधर वाली नहीं होती, तो इस वाले में देखो एक दो तीन और ये चार, तो इसमें टोटल कितने हो गए बेटा, आठ तो इसमें हो गए, चार दूनी आठ, और सिमिलरली एक दो तीन और चार, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे भाई, आठ इसमें हो जाएंगे, तो अभी तक तो कितने हो गए ये टोटल 16, लेकिन 16 आंसर नहीं है, जब मैं इनको जोड़ूंगा ना तो देखो एक आपका बड़ा त्रिभुज ये बनेगा भाई, एक बड़ा त्रिभुज आपका ये बनेगा कि नहीं बनेगा इन दोनों में, एक ये वाला देखो यहां से लेकर पूरा यहां तक बेटा, ये वाला बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन दोनों फिगर्स को जब मैं मिलाऊंगा तो बड़े त्रिभुज भी तो बनेंगे, तो ये वाला एक त्रिभुज आपका यहाँ ऐड होगा, और इसी तरह से एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा उल्टा, है ना, इस तरीके से। तो अब देखो आप मुझे बताओ कितने त्रिभुज बन गए, 16 भावुकता में आंसर दे देता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 18, कितना होगा बेटा 18, टोटल आंसर है इसका 18, बात आई समझ में। अब इसकी ट्रिक, ऐसे आप कब तक बना बना कर देखोगे बड़े त्रिभुज, तो आप देखो ये फिगर है, ये फिगर दो फिगर मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिए, और ज्वाइनिंग का पॉइंट है एक ये और एक ये, तो मैंने इसमें दो जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया दो, और ये कॉमन देखो इन दोनों में ये एक बार ही तो आ रहा है, और इन दोनों में ये भी एक बार आ रहा है, तो दोनों का एक एक बार यानी कि दो हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसलिए आपका आंसर 18 आ गया। इस तरीके से अब देखो इसकी बात करते हैं, चलिए इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें कितने आपके फिगर की बात करें तो कितने त्रिभुज होंगे मुझे बताइए। अब देखो दो कॉम्बिनेशनल फिगर मैंने आपके यहां पर बना दिए, जल्दी से बताइए इस झोपड़ी में कितने सारे आपके त्रिभुज होंगे, जल्दी बताइए। उसके बाद इस फिगर को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, जल्दी से बताओ, देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो बेटा आठ दूनी कितना हो गया 16, 16 तो आपके इधर हो गए, 16 तो आपके इधर हो गए, ठीक है, और ऊपर वाले इस छोटी सी झोपड़ी की बात करूं तो एक और दो मिलाकर टोटल ये तीन आपके ये हो गए। अब इन दोनों से मिलकर जो बने हैं कौन से, एक तो आपका ये वाला, एक आपका ये वाला हिस्सा, एक त्रिभुज आपका ये, एक त्रिभुज आपका ऐसा इस तरफ भी तो बनेगा, इस तरफ ऐसे बन जाएगा, तो दो आपके त्रिभुज ये हो जाएंगे, ठीक है, दो त्रिभुज ये हो जाएंगे, तो टोटल की जब बात आएगी तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 21, कितने हो जाएंगे 21 त्रिभुज होंगे इसमें। तो ट्रिक सीखने का फायदा क्या हुआ, अलग अलग गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने नीचे वाले फिगर में आपकी ट्रिक लगाई 8 दूनी 16, ऊपर वाले में लगाया 2 और 1 3, मिलाकर हम आंसर के करीब पहुंच गए। उसके बाद एक ट्रिक मैं आपको यहां बता देता हूं, इंपॉर्टेंट नॉट है, ट्रिक नहीं है, इंपॉर्टेंट, बड़े त्रिभुज काउंट करना ना भूलें, बड़े त्रिभुज काउंट करना कतई ना भूलें,
कतई ना भूलें, भूले से भी ना भूलें, बात समझ रही, क्योंकि 19 ऑप्शन में होगा और 19 आप टिक करके आ जाओगे जो कि आपका गलत आंसर होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ट्रिक लगाकर आप उस ऑप्शन के करीब पहुंचिए और उसके बाद दो फिगर को जोड़कर जितने बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं उसका आंसर निकालिए, जितने बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं उसका आंसर निकालिए, आप टोटल बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर टिक करके आओगे। तो 19 प्लस 2 कितना हो गया, 21 हो गया। बात आ गई समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी की बात कर रहा हूं मैं। इसी में मान लीजिए आपकी ये जो लाइन है इसको मैंने कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया है ना, और इधर से भी मैंने इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, जरा बताइए कितने त्रिभुज होंगे। इसको थोड़ा मैं वापस बना देता हूं, देख लीजिए। अब मुझे बताओ कितने त्रिभुज होंगे बेटा इसमें, बोलो भाई। जल्दी से बताइए कितने होंगे, और अच्छे से बना देता हूं इसको। गहरा कर दिया मैंने थोड़ा सा ना, बताइए भाई कितने त्रिभुज होंगे इसमें, कौन देगा जवाब भाई? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज क्या चल रही है यहाँ पर। चलिए बताइए, देखो मान लो इधर की ये झोपड़ी नहीं होती, इधर जो आपका हट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो बेटा 8 × 16 ये तो आपके यही हो गए, ठीक है। ऊपर 1 और 2 की बात करें तो 3 आपके ये हो गए, ठीक है। और अब देखो एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है मिलाकर, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है मिलाकर, तो इसके मैंने 2 और जोड़ लिए है ना। अब एक त्रिभुज आपका ये छोटा वाला बन रहा है ऐसा, ये एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, तो मैंने 2 इसके जोड़ लिए। और अब सबसे बड़े त्रिभुज ये वाले जो त्रिभुज है ये भी तो बन रहे हैं, ये देखो एक ये रहा और एक आपका ये रहा, तो 2 आपके इसके जोड़ेंगे कितने जुड़ेंगे। अब देखो आप टोटल कितने हो गए, तो बेटा कितने हो गए, 16 + 2 + 2 + 3 + 2, 16, 17, 18, 19, 20, 3 आपके 23 और 2 25, कितने हो गए बेटा 25। अब देखो बच्चे यहां क्या गलती करेंगे कि सबसे बड़ा त्रिभुज गिनना भूल जाएंगे, कौन सा त्रिभुज, सबसे बड़ा त्रिभुज गिनना भूल जाएंगे और वो है आपका ये। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक नोट लिखाया था कि बड़े त्रिभुज को काउंट करना ना भूले, ये सबसे बड़ा भी तो है भैया, सबसे बड़ा आएगा तो इसमें एक और जुड़ेगा और ये टोटल कितने हो जाएंगे 26, ना कि कितने 25। तो इसीलिए वो नोट लिखवाया था कि बड़े त्रिभुज को काउंट करना कतई ना भूले, बात समझ लो, कतई ना भूले, अगर आप भूल गए मामला खत्म हो जाएगा, बात समझ में आई? जैसे आप भूले मामला खत्म, इतना सा आप बात समझ के रखिए कि ट्रिक लगाने से आप ऑप्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे, सही उत्तर के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और बड़े त्रिभुज में अगर आपने बड़े जो आपके फिगर है उसमें त्रिभुज गिन लिए, बड़े त्रिभुज आपने काउंट कर लिए, तो आप सीधा आंसर के बिल्कुल सटीक पर पहुंचोगे। ए बी सी डी में आपके 4 ऑप्शन आएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होंगे, 19, 20, 21, 22 है, 18, 20 है ना, 19, 17, 25, 26, 27, 28 इस तरीके के ऑप्शन होते हैं। कभी कभी आंसर 27 होता है, एक बार गिनते तो 25 आ जाता है, एक बार गिनते तो 28 आ जाता है, बात समझ रहे हो, एक कम एक ज्यादा इस तरीके से आ जाता है। लेकिन एग्जैक्ट उत्तर पर आप कब पहुंचोगे, जब आप ट्रिक लगाकर अलग अलग फिगर में ट्रिक लगाकर इतने त्रिभुज उनको मिलाकर बड़े त्रिभुज कितने बन रहे हैं उसको आप जोड़ दो, आप सीधा सही उत्तर पर पहुंचोगे। तो इस तरीके से आई होप कि आप त्रिभुजों की गणना कर सकते हो। 20 मिनट के वीडियो में इतना ही, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होंगे वो आप इजी गोइंग कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, मैथमेटिक्स के ट्रिक के साथ मिलेंगे, बहुत ही दासू ट्रिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों से टफ सवाल जो है उसको आसान तरीके से सॉल्व कैसे किया जाए वो मैं आपको बता सकूं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरीके से छोटी छोटी ट्रिक सीखते जाइए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।